नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। महर स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट से प्रभावित गांवों के लोग इन दिनों भीषण जल संकट से जूझ रहे हैं। कागजों में इस उद्योग ने भले प्रभावित गांवों की जिम्मेदारी संभाल रखी हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। लोग 1 से 2 किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर है। हम आपको अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के ठीक 300 से 400 मीटर दूर बसे सोनवारी गांव के मोदी नगर का हाल बताएंगे, जहां वंशकार समाज के लोग बांस के बर्तनों को बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनके यहां उद्योग प्रबंधन अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत उनकी समस्याओं पर मदद कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। जल समस्या इतनी विकट हो चुकी है कि इस भीषण तापमान में छोटे छोटे बच्चे सर पर बर्तन रखकर पानी लाने को मजबूर है। लोगों ने जल समस्या पर प्रशासन और उद्योग प्रबंधक से ध्यान देने की मांग की है। मैहर से पंचायती राज के लिए पवन उर्मलिया की रिपोर्ट। 2-3 किलोमीटर पानी के हम लोग जाते हैं, वहाँ कंपनी भी पास में है, कोई व्यवस्था नहीं, न टैंकर भेज रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं। मंदिर में नल लगे, नल भी बंद कर देते हैं अंदर से। कोई फैक्ट्री हमको व्यवस्था नहीं दे रही, न शासन हमको कोई व्यवस्था दे रही। रोड भी कोई परेशानी में आदमी झेल रहा, चल रहा किसी तरह से, कोई व्यवस्था नहीं हमको। किसी को बताते हैं तो कोई सुनता भी नहीं है हमको। क्या किया जाए हजूर? सर, यहाँ पानी के लिए बगल में कंपनी बैठी है, कोई सहयोग नहीं कर रही है। हम लोग 2-3 किलोमीटर से पानी लाते हैं हेडपम्प से, वहाँ से। सर, कंपनी के द्वारा कोई टैंकर, कोई सुविधाएं अवेलेबल नहीं? कोई व्यवस्था नहीं है। सब ले लीजिए, हम लोग साइकिल से जाते हैं, ढोलाते हैं पानी ले जाके अपने चढ़े। जैसे आदमी आता जाता है, साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाती है। सर जी, आसपास अल्ट्राटेक के आसपास के गांव हैं, वहां पर जल संकट लगातार बढ़ रहा है, उसके लिए कंपनी प्रबंधक द्वारा क्या क्या सुविधाएं करवाई जाएंगी? अभी 2 दिन पहले ये जो सतना मैहर ये तीनों फैक्ट्री के प्रबंधकों को बुलाया गया था, बुलाकर उनको चर्चा की गई थी। उनके जो गाँव हैं, गोदिए गाँव, उन गाँव में जहाँ भी पानी समस्याएँ थी, उन समस्याओं को पानी टंकी बनाकर या टैंकर से सप्लाई करेंगे। जिसमें अल्ट्राटेक के भी 12 गाँव हैं, 8-10 गाँव रैंस के हैं और KGS के लिए, सब लोग जो है आवश्यकता अनुसार वहाँ पर पानी सप्लाई करेंगे।